देश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार पीक की तरफ बढ़ रही है। पाबंदियों के बीच भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते कई दिनों से लगातार देश में कोरोना का आंकड़ा 2.5 लाख के पार बना हुआ है, लेकिन इस बीच देश में राहत भरी खबर सामने आने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि कल के मुकाबले करीबन 13,000 कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजे आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिनमें 1,51,000 से ज्यादा की रिकवरी हुई है। वहीं 385 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो इसके मामले भारत में 8,000 को पार कर गए हैं। कल के आंकड़ों की तुलना में इसमें 6.02% की बढ़त हुई है। गनीमत यह है कि अभी अस्पतालों की जरूरत वाले मरीजों की तादाद कम है। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में 41,000 से ज्यादा केस सामने आए, कर्नाटक में 34,000, दिल्ली में 18,000 से ज्यादा, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे राज्यों में कोरोना की रफ्तार कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप कोरोना नियमों में ढिलाई करना शुरू कर दें। ये काफी नाजुक वक्त है और इसमें जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। INS report.